मैं आपको कहता हूं कि आपको साइन ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू बतानी है, फिर उसके बाद में साइन ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू बतानी है, तो फिर आप टेबल देखोगे और फिर उसे रिकॉग्नाइज करके बताओगे। लेकिन मैं आपको कह सकता हूं कि आप अपनी अंगुलियों की हेल्प से इसको याद रख सकते हो और काफी आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अब देखो उसके लिए यहां पर ये फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला किस तरीके से काम करेगा पहले उसको सीखते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपका थंब लेना है और थंब को बोलना है कि इसकी जो वैल्यू है वो है 0 डिग्री, और जो आपकी फर्स्ट फिंगर है इसकी वैल्यू बोल देना है वो है कि इसकी 30 डिग्री, और जो मिडिल फिंगर है उसकी है 45 डिग्री, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो फिंगर है उसकी है 60 डिग्री, और लास्ट वाली जो स्मॉलेस्ट फिंगर है उसकी वैल्यू है 90 डिग्री। ये आपको क्या करना है, असाइन कर देना है इन सभी को। अब उसके बाद में अगर आपको सीखना है कि किस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, तो भैया देखो पूरा देखना, अगर आधी ट्रिक सीखोगे तो हो सकता है कि आपको उतना फायदा ना हो और आप अपना लॉस करवा लो, तो उसके लिए आपको पूरी देखना और आपको ये एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से इसे याद करना है। इसके बाद में क्या करना है, अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना है कि फिगर नंबर लिखना है। जैसे कि अगर मैं करूं थंब की बात, तो थंब को आपको करना होगा कि जो हमारा थंब है इसका जो नंबर है, एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूं, इसका जो नंबर है वो है ये 0 नंबर पर। और अगर बात करूं 30 डिग्री की, इसका नंबर है 1, आपको यही असाइन करना होगा। अगर अपने मन से लगाओगे कि ये 1 हो जाएगा, नहीं ये नहीं है, फिंगर थोड़ी है, तो थंब है, थंब इसलिए इसको 0 हो गया, और ये सेकंड फिंगर हो गई, ये थर्ड फिंगर हो गई, और ये फोर्थ फिंगर हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना होगा, फिंगर नंबर, मतलब कि जैसे कि अगर मैं कहूं कि आपको साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो आप देखोगे कि हमारी अंगुली के ऊपर कौन सी आएगी, तो आप बोलोगे कि भैया फर्स्ट वाली जो अंगुली है ये है 30 डिग्री की, तो मैंने क्या कहा कि इसका नंबर कितना लिखा हुआ है यहां पर, वो लिखा हुआ है 1, तो मैंने अंडर रूट 1 लिख दिया क्योंकि फिंगर नंबर क्या था वो 1, और डिवाइड बाय मैंने 2 कर दिया, तो यहां से जो इसकी वैल्यू आगी वो आगी 1/2। और इसी तरीके से अगर आप देखो कि भैया आप 60 डिग्री की निकाल के दिखाओ, तो मैं बोलूंगा कि साइन ऑफ 60 डिग्री जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहां पर अंडर रूट ऑफ फिंगर नंबर, तो यहां पर जो ये कौन से नंबर की फिंगर है, ये थर्ड नंबर की, तो यहां पर मैंने लिख दिया अंडर रूट ऑफ 3/2। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। अब इसी तरीके से आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताओ कि भैया साइन ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू क्या रहने वाली है। देखो हर एक स्टूडेंट को कमेंट करना है कि साइन ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू क्या रहेगी, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर। देन फिर इसका हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि आता है हमारे पास में यहाँ पर कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा की वैल्यू को अगर याद रखना चाहो तो याद भी रख सकते हो, अदरवाइज क्या होगा कि आपको एक नया फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अगर जिसको नया याद नहीं रखना वो साइन थीटा से भी याद रख सकता है। जैसे कि अगर बात करूँ कॉस थीटा की और साइन थीटा के अंदर एक रिलेशन रहता है, जैसे कि अगर बात करी जाए कि कॉस ऑफ जो 0 डिग्री होता है वो होता है साइन ऑफ 90 डिग्री, तो आप ये भी याद रख सकते हो कि यार ये नया याद ना रख के जगह पर हम क्या करते हैं कि साइन वाले जितने भी हैं उन सभी को रिवर्स कर देते हैं, तो वो भी कर सकते हो। अदरवाइज इसके लिए भी मेरे पास में एक ट्रिक है, वो ट्रिक ये है कि आपको इसका फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू जो है यहाँ पर वो है 4 - फिंगर नंबर, कि कौन से नंबर की फिंगर है उसको आपको 4 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपके पास में कॉस थीटा आ जाएगा। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो लेते हैं वो लेते हैं कॉस ऑफ यहाँ पर 30 डिग्री, ठीक है। कॉस ऑफ 30 डिग्री अगर लेंगे तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि अंडर रूट ऑफ 4 - फिंगर नंबर। अब इसमें से कौन से फिंगर के ऊपर आ रहे हैं यहाँ पर ये 30 डिग्री, तो आप बोलोगे कि भैया ये तो फर्स्ट फिंगर पर आ रहा है, तो आपने यहाँ पर लिखा 1, और यहां पर ये हो गया 2/2, तो यहां से जो इसका आंसर आ गया वो आ गया अंडर रूट ऑफ 3/2। और आप इसको ये भी लिख सकते हो, जिसको कि अगर ये याद रखने में प्रॉब्लम हो रही है फिर याद नहीं हो रहा, तो आप इसको ये भी कर सकते हो, ये जो साइन ऑफ 30 डिग्री है ना, ये हो सकता है यहां पे साइन ऑफ यहां पर कॉस ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ यहां पर 60 डिग्री, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, 90 माइनस जितना भी डिग्री उससे। और इसी तरीके से हम एक और लास्ट वाला कर लेते हैं एग्जांपल, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। वो हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर साइन मतलब साइन का नहीं, अब हम यहाँ पर ले रहे हैं कॉस ऑफ, यहाँ पे ले लेते हैं 90 डिग्री का, ठीक है। 90 डिग्री का आसान रहेगा, वो रहेगा कि अंडर रूट ऑफ 4 - अब इसका 90 डिग्री का क्या नंबर है, 90 डिग्री का नंबर है यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 4 लिख दिया और डिवाइड बाय में 2 कर दिया, तो यहाँ से जो आंसर आ गया वो आ गया हमारे पास में 0। तो आप इसी तरीके से इन सभी को याद रख सकते हो, और बस एक फॉर्मूला याद रख लो और उससे सारे सॉल्व हो जाएंगे। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है रेशियोज को याद करने के लिए, वो आता है भैया टेन थीटा। अब देखो ये जो टेन थीटा है ये, इसको आपको आप भी अभी मैंने बताया था कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। अब आप इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, फिर इसको आप कैसे करोगे, तो आपको इसके लिए एक स्पेशल याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर कहा जाए कि आपको टेन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो आपको सिंपल सा करना होगा कि यार साइन ऑफ 30 डिग्री डिवाइड बाय में कॉस ऑफ 30 डिग्री, और वो दोनों की वैल्यू क्या है अभी आप वो अपने फिंगर से निकाल सकते हो। साइन ऑफ 30 डिग्री की अगर बात करें तो अंडर रूट ऑफ यहां पर कितना आ जाएगा, कौन से नंबर के ऊपर आता है, वो आता है 1 के ऊपर, और
यहां पर कर दिया 2, और cos ऑफ 30 डिग्री की आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1 बाय 2, तो यहां से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 बाय अंडर रूट ऑफ 3। इतना आसान है ये, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अभी इसी तरीके से आप लोगों को एक बार सॉल्व करना है, इसके अंदर आपको सॉल्व करना होगा। देखो खुद से सॉल्व करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब आपको इसको लिए सॉल्व करना, वो करना है 10 ऑफ 45 डिग्री। जल्दी से इसका सॉल्व करो, आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका आंसर क्या रहेगा। प्रैक्टिस करो जल्दी से ताकि आपको ये ट्रिक क्लियर हो दिमाग में। आई होप कि आपने आंसर दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो फिर भी एक बार ट्राई करो। अब 10 ऑफ 45 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, वो लिख सकते हो कि साइन ऑफ 45 डिग्री डिवाइड बाय में हो सकता है कॉस ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 45 बाय ये कॉस ऑफ 45 हो गया, तो आपको क्या करना है कि अंडर रूट ऑफ फिंगर। अब फिंगर कौन सी आ रही है इस फिगर में, देखो इस फिगर के अंदर 45 कौन से नंबर पर है, वो है सेकंड नंबर पर। देखो ये जो है ये कौन से नंबर पर है, सेकंड नंबर पर। तो अभी यहां पर क्या करना होगा आपको, सिंपल सा सेकंड नंबर लिखना है, अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय 2, और यहां पर जब करेंगे अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 2 डिवाइड बाय 2, तो यहां से सब कैंसिल हो जाएगा और यहां पर आंसर बचेगा आपके पास में 1। ये इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो।